बड़ी खबर मिल रही है, बजुलाल सरकार ने पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। ई साइनिंग वाले जीवित प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मी के अलावा अन्य सरकारी कर्मी, उनके आश्रितों के लिए छूट, उनके लिए ई साइनिंग वाले जीवित प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई है। वित्त विभाग ने जारी किया है आदेश। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऋतुराज जी, वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया है, माना जा रहा है कि फैमिली पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब राहत कैसे मिलेगी? देखिए शिखा, ये डिजिटल युग है और इस डिजिटल जमाने में एक से एक बढ़कर वित्त विभाग द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। जो IFMS 3.0 के जरिए एक तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, ट्रेजरी के जो बिल हैं वो ऑनलाइन पास होके ECS द्वारा खाते में जमा कराने की सारी कवायद हुई है, नवाचार हुआ है। इसी के साथ अब जब पेंशनर्स के लिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार पेंशनर्स को बैंकों में चक्कर काटना पड़ रहा है, खासतौर पर जो बुजुर्ग उन्हें वहां जा जाकर बार बार लाइफ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया से निजात पाने के लिए उनके हस्ताक्षर किए हुए जो लाइफ सर्टिफिकेट हैं डिजिटल रूप में उसको मान्य कर दिया है। लेकिन ये सुविधा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए लागू की गई है, तो हो सकता है कि अगर इसकी सफलता हुई तो वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी लागू हो। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए इसे लागू करने में एक और समस्या, कुछ उनके साक्षर न होना और अन्य कई कारण हो सकते हैं। हालांकि ये अब व्यवस्था लागू करने के लिए इसके परिणाम देखने होंगे, क्योंकि ई हस्ताक्षर से डिजिटल साइन से किस तरह से जीवित प्रमाण पत्र माने जाते हैं। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।